चंद मुसलमान गलत है तो चंद हिंदू भी तो दोगले है ना। अगर एक मुसलमान रेप करता है तो एक हिंदू भी तो अपने बीवी का, मुसलमान बीवी का 15 लोगों से घर में बंद करके बलात्कार करवाता है। आतंकवादी हिंदू भी होते हैं। राम मंदिर को उड़ाने का धमकी किसने दिया? योगी को मारने की धमकी किसने दी? तीन ऐसे हिंदू जो मुसलमान का नाम रखकर हमारे देश में हिंदू मुसलमान करवाना चाहते थे। झांसी की रानी लड़ सकती है और अपने आप को लक्ष्मी बाई साबित कर सकती है, तो हम बेटियां क्यों नहीं, क्यों कमजोर बने हम? एक आपका उम्र कितना हुआ? 23 साल। 23 साल? 23 साल में पूरा देश का आप ठेका ले रखी है क्या? आपके माँ बाप का परवाह नहीं होगा आपको? क्यों? मैं जब सही हूँ तो कौन किसके बाप क्यों कादे डरा देगा जी? हिम्मत है? अरे बहुत सारी लड़कियाँ खप गई आपको पता है ना, माड़ीपुर कांड देखिए, देश में आए हुए पहलवान जो है जंतर मंतर पे बैठा हुआ था। आप हाँ बताइए, हम अगर कुर्बान होंगे ना तब हमारे जैसे 100 बेटियां अपने घर से निकलना शुरू करेगी। अगर हम अपनी जान देके उन बेटियों को घर से निकाल के उनकी आवाज बन सकते हैं ना, तो हम तैयार है अपनी जान देने के लिए। ये तो वाला कहानी हो गया, ये वो वाला कहानी। एक अकेली झांसी की रानी लड़ सकती है और अपने आप को लक्ष्मी बाई साबित कर सकती है, तो हम बेटियां क्यों नहीं, क्यों कमजोर बने हम? ना तो मैं समाज सुधारी हूँ, ना मैं एक नेता हूँ। अच्छा। मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी जो बेटी, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो बोल नहीं पाती है, तो वो नहीं बोलेगी तो मैं बोलूंगी। अच्छा। और मैं तब तक बोलूंगी जब उन बेटियों के अंदर बोलने की हिम्मत ना आ जाए। अच्छा। एक मुद्दा गर्मा हुआ है अंजलि, उस मुद्दा पे हम आना चाहेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आप जो है ना आरजेडी के सपोर्टर हैं, सही बात है क्या? मैं आरजेडी की सपोर्टर हूँ। हाँ। सच बात है, मैं गठबंधन की सपोर्टर हूँ, सच बात है, बीजेपी के 5 सपोर्टर हूँ। हाँ। मुझे सब अच्छी बात है। ये तो खबर पता चला है ना आपको कि बीजेपी के 5 विधायक और फिर किसका, जेडीयू का 17, कहाँ खपा दिया आप? भैया खेल होने वाला है, आपके विधायक में आ रहे हैं और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्लोटिस्ट में आप देखते जाइए ना क्या होता है। मतलब इन्होंने गर्दा उड़ा दिया तेजस्वी जी, थोड़ा इन पे ध्यान दीजिए अंजलि पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका ही मुद्दा गरमाया हुआ है, जो आज जेडीयू के 17 विधायक और बीजेपी के 5 विधायक पता नहीं कहाँ चले गए, उनका फोन भी नहीं लग रहा। और सरकार गिरा था ना जिस दिन नीतीश जी पलटी मार के भाजपा गए थे, उसी दिन बोला था कि नीतीश जी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब आपकी गिनती तब तक है जब तक आप 14 तारीख तक वैलेंटाइन डे बना के आ जाइए। अच्छा। उसके बाद आपके 17 विधायक हमारे राजद में आके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। अंजलि एक और बात है कि नीतीश जी भाग के चले गए वहाँ पे, बता रहे हैं ना, सुनिए जी नचनिया एक नंबर कह रहे नाचते फिरते हटाइए। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगा महागठबंधन में, अब तो मैं एनडीए में ही रहूंगा। प्रभु जी सुनिए, मोदी जी हमको बचा लीजिए। सही बात, वही बेशरम आदमी आज से 6 महीना पहले जब राजद में मिला था तब क्या बोला था, 17 महीना पहले शायद आई थिंक, तब क्या बोला था कि मर जाऊंगा मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में जाना पसंद नहीं करूंगा, तब मरा नहीं, अब क्या घंटा मरेगा सलाऊ? अच्छा। नहीं क्या कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अच्छा, 24 में क्या खेला होने वाला है ये बताइए। 24 में सत्ता पलट हो जाएगा अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो तब। अभी हाँ जो आने वाले इलेक्शन है लोकसभा वाला, इसी 24 में अगर बैलेट पेपर पे हो तो फिर पलटवार हो जाएगी, कंफर्म है। हम जनता है, हम वोट देते हैं, हमारा अधिकार है कि हम ईवीएम पे देंगे या बैलेट पेपर पे देंगे। ये आपकी एक उंगली ना जो है वो आपका जिंदगी तय करता है। हमारी एक उंगली की कीमत पहचानिए, आप अपनी एक वोट की कीमत पहचानिए और ऐसे जगह वोट दीजिए जहाँ पर आपके बच्चों के भविष्य, एजुकेशन, शिक्षा, जो कहते हैं स्वास्थ्य, गरीबी, महंगाई दूर हो सके, जो रोजगार और एजुकेशन की बात ना करे, वैसे सरकार को हम कभी लाना पसंद नहीं करेंगे। एक मुद्दा उठा हुआ है जी मुंबई में, पता है क्या आपको, एक मौलाना है सलमान अजहर। हाँ सलमान अजहर साहब है। हाँ, जिस तरीके से उन्होंने एक बात बोला उस पे उनको भाजपा ने गिरफ्तार करवा दिया, कितनी घटिया बात है। एक सिंपल सा मुसलमान व्यक्ति, एक मौलवी, वो एक शायर बोलते हैं मुफ्ती एक, कि आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर होगा, तो ये सवाल नहीं है, ये एक शायर है और एक शायर पे किसी को गिरफ्तार कर लेना ये कुत्तों की ही पहचान है। संविधान जो इतना आजादी दिया हुआ है ये कुत्तों की ही पहचान है। जब आर्टिकल 19 यानी कि आर्टिकल 19 के भाग 2 में हमें बोलने की अधिकार मिली है, तो क्या बोलने पे हमें कोई गिरफ्तार कर सकता है क्या भला? एक सांसद रमेश बिधूड़ी जो एक नंबर भाजपा का सांसद है, संसद भवन में बैठ के बोलता है मुसलमान भाइयों को
आतंकवादी उसको प्रभारी बनाया जाता है टोंक का, उसकी प्रमोशन की जाती है। एक सिंपल सा हमारा मुसलमान भाई जब बोलता है कि ये दौर कुत्तों का है, कल हमारा वक्त आएगा, तो इसमें उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या आप शायरी भी इंसान ना बोले? तो फिर ये भाजपा की इतनी गंदी रणनीति है ना कि भाजपाइयों के मुंह पे ना थूकने का मन करता है हमको। आने वाले दिन में मुसलमान के साथ साथ आपको भी भगा दिया जाएगा पाकिस्तान, ध्यान रखिए इस बात को। किसी की भगना चाहती है, है? किसके बाप की औकात है जो मुझे बिहार और मुझे हिंदुस्तान छोड़ने के अधिकार दे देते? एक हिंदू हूँ और मेरे लिए मुसलमान भाई बराबर है। किसी की बाप की औकात नहीं है जो हमें बांट दे। बेटा बहुत आए और बहुत गए जो धर्म की राजनीति किए, ना तो हिंदुस्तान टूटा और ना ही हिंदू मुसलमान टूटे। अरे भाई, तो लेटेस्ट न्यूज है भाई, आप जिस तरीके से बता रही हैं कि मतलब ये जो बयान दे रही हैं आप, ये बयान काम करने वाला है बीजेपी के सामने? क्यों नहीं करेगा? चंद दोगले लोग आके कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान अलग है। अरे हम हिंदू मुसलमान तब भी एक थे और आज भी एक है जब देश आजाद हो रहा था और लाखों मुसलमानों के भी खून मिले हुए हैं इस मिट्टी में। तो वो दिन कैसे भूल सकते हो जब एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश को 22 से ज्यादा मिसाइल देकर, इस देश को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ इस। कौन याद करता है भाई? क्यों नहीं याद करते? हम याद करते हैं, भारतीय होने के नाते एपीजे अब्दुल कलाम को कभी नहीं भूल सकते हैं, गर्व है वो हमारे देश के। एक भाजपा आके कह दे कि जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है वो आतंकवादी है, तब मान लेंगे हम कि हमारे मुसलमान भाई गलत है। लेकिन हमारे देश में अगर चंद मुसलमान गलत है तो चंद हिंदू भी तो दोगले है ना। अगर एक मुसलमान रेप करता है तो एक हिंदू भी तो अपने बीवी का, मुसलमान बीवी का 15 लोगों से घर में बंद करके बलात्कार करवाता है ना। तो फिर तुम कहां तक सही हो हिंदू मुस्लिम? क्राइम करने वाले की कोई जात नहीं होती और गुनहगार की पहचान नहीं होती। गुनहगार की सिर्फ एक जाति होती है, गुनाह। और फर्क करना जिस दिन हम लोग छोड़ देंगे ना, गुनहगार को सिर्फ सजा देना सीखिए, जाति में बांटना नहीं। जेल खाना क्या है जी अपने देश का? कोई ये है जी? हाँ आसाराम जी ऐसे ही घूमे यार, छुट्टिया पे आते हैं फिर जाते हैं घर पे। वही तो कह रहे हैं, आसाराम बापू बलात्कार करे तो बाबा, अगर कोई मुसलमान भाई कुछ कर दे तो क्राइम, पाप, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादियों का निशानी। भाई आतंकवादी हिंदू भी होते हैं। राम मंदिर को उड़ाने का धमकी किसने दिया? योगी को मारने की धमकी किसने दी? तीन ऐसे हिंदू जो मुसलमान का नाम रखकर हमारे देश में हिंदू मुसलमान करवाना चाहते थे, वो हिंदू। एक और जगह पे, एक जगह मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका हुआ था, वो टुकड़ा फेंका एक हिंदू ने, विवाद हुआ मुसलमानों से। यानी विवाद के एक एजेंडा पाला जा रहा है क्या अपने देश? और ये सारा चीज जो है आरआरएस के चंद चड्डी छाप लोग कर रहे हैं। ये चंद हमारी मीडिया वाले हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो पत्तलकार है। वो लोग इतने नीच और घटिया लोग हैं जो नेशनल मीडिया अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने इस चीज को हवा दिया है और हिंदू मुसलमान किया है। अब हमारे मीडिया का काम सच दिखाना नहीं रह गया है। मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ये बोलना रह गया है। मोदी जी आप अपने पॉकेट में चिल्लर रखते हैं या नोट रखते हैं, ये काम रह गया है। लेकिन कहां हमारी बेटी का रेप हुआ, कहां हमारे माँ के साथ गलत हुआ, ये दिखाना नेशनल मीडिया का काम नहीं रह गया है। मणिपुर की घटना दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन सीमा हैदर का बाथरूम दिखाना नेशनल मीडिया के लिए जरूरी है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ? मैं सही थी, मैं सही हूँ, और किसी की बाप की औकात नहीं है जो मुझे गलत साबित करके रख दे। इसके प्रति एक शायर बोलती है आप, वो शायरी क्या है? कहते थे ना, वही मौलाना साहब जी का मैं शायर ही दोहराऊंगी। आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर होगा। ना झुके थे ना झुकेंगे, ना हमारे भाई बटे थे ना हम कभी बटेंगे। जय हिंद, जय बिहार। चलिए, आप सुन रहे थे, ये अंजलि थी, और हालांकि एक समाजसेवी है, हर एक लड़कियों के आवाज बनना चाहती है। जिस तरीके से लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता सेनानी बनी, उसी तरीके से अंजलि एक हर एक घर के बहन बेटी बनना चाहती है, हर एक लड़कियों को आवाज बनना चाहती है। बस देखते रहिए आप G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।